हेलो एवरीवन, माय सेल्फ मधु सिंह और वेलकम बैक टू माय चैनल मधुफिल्म में तड़का। और आज मैं एक न्यू सॉन्ग लेकर आई हूँ बेला का, और इस सॉन्ग का नाम है फॉर माय पीपल। और ये जो सॉन्ग है वो होम दी एल्बम से है। तो चलिए पहले सॉन्ग देख लेते हैं, सॉन्ग में ऐसा क्या है और बेला क्या कुछ लेकर आए हैं इस बार अपने सॉन्ग में। और मुझे बेला के सॉन्ग काफ़ी अच्छे लगते हैं, क्योंकि इससे पहले मैंने उनके और भी सॉन्गों पर रिएक्शन दिया था, तो वो सॉन्ग काफ़ी अच्छे लगे। और देखना बनता है कि इस सॉन्ग में ऐसा क्या लेकर आए हैं। तो चलिए पहले सॉन्ग देख लेते हैं, सॉन्ग में ऐसा क्या है, तो वीडियो शुरू करते हैं। मेरा म्यूजिक मेरे लोगों के लिए, मेरे लोगों को पता है मेरा नाम क्या है। For my people, ये म्यूजिक अब सुकून, ये म्यूजिक में जुनून, हम सब में कहीं ना कहीं छिपी खूबियां जरूर। हम हो गए मशहूर जब से चुन लिया फितूर, भागना छोड़ मत, नजरें ऊपर रखना सीख, दस को बंप करा वाइब, खुद ले लेगी स्ट्रीट्स। उम्र उन पे लागू नहीं होती जो देखें ड्रीम्स, अपने सपनों से मैं करता हूँ अब पूरी नीड्स। छोटे कुछ तो सीख, मेरे लिबास में दो शख्स छिपे हैं, हमें कला और घमंड दोनों संग मिले हैं। मेरा कर्मा मुझसे बातें करना चाहे आईना, कहे तेरे अंदर लाखों गुनहगार छिपे हैं। इनके फीके चेहरे सारी चीजें बयां करें, मैं दुआ करूं मेरे हिस्से में बस वफा रहे। ये बोले इमेज मेरी बुरी जैसे पाबलो, मैं कहना हाँ जी जो उखाड़ना उखाड़ लो। रातों में गेड़ियां मैं मारू नहीं, जब स्टूडियो में गाने लिखूं क्या हो रहा है दुनिया में ये लौड़ा जानू नहीं। मैं अपने में मगन, मैं लॉयल अपनी वाली से, मैं दुनिया की ये 36-14 पालू नहीं। मैं मुश्किलों को टालू नहीं, अब मुश्किल कम, हर दिन इतना हसल करके जीना बन गई आदत। अब कलम देती रहा तब, दुनिया माँ से मेरी कर रही शिकायत। अब बेटा तेरा दिखे बैनरों पे, बड़े बड़े चैनलों पे, चैनलों पे, बड़ी बड़ी गाड़ियों में, पहाड़ियों में, मांगो देखू तालियों में, तालियों में। अब शीशे नीचे कॉपी अंदर खुले ऑटोग्राफ, दरवाजा खुला पहला बाहर आता फोटोग्राफ, सब देखे पहला कड़क रखता अपना मोनोग्राफ, पहला शाइन करे लगता चलता फिरता होलोग्राम। डैम ये रैपर्स पेंगुइन, इनमें कोट कोई नहीं, इनकी नॉलेज इतनी करप्ट, इनका दोष कोई नहीं। इतना हेट ये सब लावा बनना चाहते हैं, अंधे लोग विजन भारी रखना चाहते हैं। मैं नशे इतने करूं कितनी बीटे फाड़ी याद नहीं है, स्टूडियो में बैठे बीट की उतारे आरती। हम चप्पलों में स्टेज पूरा नाप देते हैं, ये बस बात सुन के ग्लास पानी मांग लेते हैं। अपना सगा कौन, मैंने नकली रिश्ते बहुत देखे, जिनके कपड़े साफ कैसे वही सबसे पहले, हजारों आंखों के हजारों गम देख, बुलाने के लिए मैं पीता राम। थोड़ी थोड़ी नजरे मिला पाना हमसे मुश्किल पड़ेगा, जब पहला पहला आदमी जो उड़ने लगेगा, जब पहला हर एक जान को इंस्पायर करेगा, जब ये लड़का इनमें अपने जैसी फायर भरेगा। सोना छोड़ अब मैं सोना सिर्फ पहनता हूँ ब्रो, मैं बस लॉयल रहता हूँ गला से और फैलता हूँ ब्रो। कुत्ते भागे जब जंगल में चीता टहलता है ब्रो, यहाँ गेम सारा बुद्धि और ईमान का है ब्रो। मेरे लोगों को मैं जैसा भी हूँ ठीक लगता हूँ, क्योंकि अपने जाने वालों को मैं हील करता हूँ। मुझसे पहले भिड़ने वाली ऐसी टीम रखता, हर दिन खुद से कंपटीशन, खुद को बीट करता हूँ। जहन में हर दिन एक आवाज कहती, तेरे अंदर के इंसान को पहचान, मैं भी उसकी सुनूं तो एक खाई और एक कुआं दिखता है। बेला गिर जाए इसमें गिर के उठने वाला टिकता है। ये सब चले मेरे मन में, जो चले गए उन्हें देता फक नहीं, पर यादें मेरी आंखें करे नम। ये बेला खुश नहीं है खुद से, पर खुशी मेरे आस पास रहती नहीं है कम। मुझे छोड़ो मेरे हाल पे, मैं जैसा भी हूँ ठीक हूँ, मैं जैसा भी हूँ ठीक हूँ, मैं जैसा भी हूँ ठीक हूँ। दस लोगों को बंप कराओ, तुम्हारी वाइफ जो है खुद ही लेगी स्ट्रिक। और यहाँ पर बेला ने यही बात बोली है कि दस लोगों को भी बंप करा दिया तो तुम्हारी जो वाइफ है वो खुद ही स्ट्रिक लेगी। तो यहाँ पर जिस तरह से बेला इस तरह की जो लिरिक्स लेकर आए हैं वो काफी अच्छे लगे, यानी जिस तरह से स्टार्टिंग में ही बेला ने मोटिवेशन जो लाइनें लेकर आए हैं वो काफी अच्छी लगी। और बेला ने यही बोला कि मैं दुआ करता हूँ मेरे हिस्से में वफा रहे, लॉयल्टी रहे। और साथ ही साथ बेला ने यही बोला कि जब मैं प्यार में पड़ा तो मैं ग्रो अप हुआ, मैं लॉयल अपनी वाली से, मैं दुनिया की 36-14 पालू नहीं। और मुझे ये लाइन काफी अच्छी लगी, क्योंकि जिस तरह से बेला ने ये लाइन बोली वो काफी सही लगी। यानी काफी सारे रैपर जो है इस चीज को जो है अलग वे में जिस तरह से बोलते हैं वो काफी अच्छा नहीं लगता। और जैसे बेला इस तरह की जो लाइन लेकर आए हैं, आपको पता ही है रैपर जो है किस किस तरह से इस तरह की लाइनों को किस तरह से प्रेजेंट करते हैं सॉन्ग के थ्रू। तो मुझे ये लाइन काफी अच्छी लगी, क्योंकि जिस तरह से बेला इस तरह से लाइन लेकर आए हैं वो काफी अच्छा लगा। यानी कि मेरी वाली लॉयल है और मैं 36 के साथ क्यों रहूं, तो बेला इस तरह की जो लाइन लेकर आए वो काफी अच्छी लगी। और गाइज आपने नोट किया होगा कि बेला जो है काफी इम्प्रूव किया है बेला ने, जिस तरह से वो इस तरह के लिरिक्स लेकर आते हैं अब की बार, जो जिस तरह वो लिरिक्स लेकर आए हैं, यानी 1-1.5 साल में उन्होंने जिस तरह से इम्प्रूव किया है वो काफी अच्छा लगा। यानी उनके सॉन्ग में दिखता है, उनके लिरिक्स में दिखता है जिस तरह से बेला ने इम्प्रूवमेंट किया।
तो वो काफी सही लगा। सोना छोड़ अब मैं सोना पहनता हूँ, और जिस तरह से ये लाइन बोली बेला ने, ये लाइन काफी अच्छी लगी। यानी पूरा का पूरा जो सॉन्ग था वो मोटिवेशन सॉन्ग था, और जिस तरह से इस सॉन्ग के लिरिक्स थे वो काफी अच्छे लगे, और साथ ही साथ इस सॉन्ग का म्यूजिक भी काफी अच्छा लगा। तो गाइज मुझे ये सॉन्ग काफी अच्छा लगा, और बेला का जो अंदाज है, जो उनकी जो ग्रोनअप हुई है वो काफी अच्छी लगी, और साथ ही साथ इस सॉन्ग में जो मोटिवेशन लाइन लेकर आए बेला वो काफी अच्छे लगे। सो गाइज ये था मेरा रिएक्शन, और आप बताइए आपको ये सॉन्ग कैसा लगा, इस पर मेरा रिएक्शन कैसा लगा। जब तक मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा, मधुफूमि तड़का। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी।